रोग समाधान में आपका स्वागत है। आज हम आपको अतिसार अर्थात दस्त के रोकने के कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे। सबसे पहले आप ये जाने के दस्त क्यों होते हैं, अतिसार क्यों होता है। अतिसार ज़्यादातर उन लोगों को होते हैं जब मनुष्य बहुत ही भारी खाना खाता है या अति चिकनाहट वाला खाना खाता है। कई बार वृद्ध भोजन करने से या भोजन के ऊपर भोजन करने से भी कई बार दस्त लग जाते हैं। इसके कारण कई बार भोजन पच नहीं पाता और कई बार उससे दस्त लग जाते हैं। इसके साथ साथ कई बार दूषित जल अर्थात इन्फेक्टेड वाटर के पीने से भी हो जाता है। कई बार पेट में कीड़ों के कारण भी हो जाता है। इनके कारणों से भी कई बार दस्त लग जाते हैं। इन दस्तों से कैसे, अतिसार से कैसे निजात पाएं, इसके लिए हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बता रहे हैं। पर सबसे पहले जो कारण है उन कारणों को दूर करें, तभी आपके ये घरेलू नुस्खे आपके लिए कारगर होंगे। तो नंबर एक, सूखा आंवला 10 ग्राम छोटी अरड 5 ग्राम दोनों को बारीक पीस कर 1-1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पानी के साथ फंकी लें। दस्त बंद करने के लिए बहुत ही अधिक अच्छी सरल और अच्छी औषधि है। नंबर दो, जायफल पानी में घिस कर दिन में 3 बार पिलाने से भी दस्त बंद हो जाते हैं। नंबर तीन, अमरूद की कोमल पत्तियां का काढ़ा पीने से पुराना अतिसार बंद हो जाता है। नंबर चार, इंदर जौ का 2 रत्ती चूर्ण खिलाने से बच्चों का अतिसार दूर हो जाता है। नंबर पाँच, दालचीनी का चूर्ण 2 ग्राम पानी के साथ खिलाने से भी अतिसार दूर हो जाता है। नंबर छः, थुअर की जड़ को लाल सूत में लपेट कर कमर में बांधने से भी अतिसार दूर हो जाता है। नंबर सात, कच्चा पपीता उबालकर खाने से भी अतिसार दूर हो जाता है। ये आप लोगों को कुछ घरेलू नुस्खे बताए, आप इनको इस्तेमाल कीजिए। पर इसके साथ साथ ध्यान रखें, सावधानी रखें, भारी भोजन मत खाएं। इसके साथ भोजन में बहुत ज़्यादा चिकनाइट घी वगैरह मत ज़्यादा लें, क्योंकि इनसे कई बार दस्त लग जाते हैं। पानी अगर दूषित जल है, इन्फेक्टेड वाटर है, तो पानी उबाल कर पिएं, ताकि आपको अगर पेट में कीड़े हैं तो कीड़ों की दवाई ले लीजिए, जिससे पेट के कीड़े ठीक हो जाए। तो ये कुछ कारण है, कारण भी दूर करेंगे तभी आप इन सावधानियों का ध्यान रखें तो आपको दस्त बार बार नहीं लगेंगे। तो आपको इनको इस्तेमाल कीजिए, अगर आपको लाभ हो फिर आप दूसरों को बताइए।